दिखेगा क्यों नहीं? जितने भी ब्लॉगर हैं अपना शुरुआत जो करते हैं ब्लॉग की इंट्रो में, लगभग दिन भर का प्रोग्राम बता देते हैं कि भैया आज हम यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे और जैसे करेंगे। अपना ब्लॉग अलग तरीके से चलता है क्योंकि अपनी जिंदगी भी अलग तरीके से चलती है। पता ही ना है कैसे कर रहे हैं, इसको रोता हुआ जा रहा है। हमने कल वीडियो और रील्स बनाई थी तो फोटो वगैरह लिए तो भैया रोने में लगे पड़े थे, क्या करें। मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है, इसको ज्यादा कीड़ा इंस्टाग्राम का। तो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हम सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हुए, नादो के रेडी हो चुके हैं। और भाई आज वैसे तो हमारे पास एक काम था, हमारे जो सब्सक्राइबर कल मिलने आए थे और घूमने के लिए आए थे, उनको आज लेके जाना था या तो नंदगांव की तरफ, नंदगांव बरसाना की तरफ, या फिर गोकुल साइड में। तो उन्होंने आज की कहा था लेकिन अभी तक मेरे को कोई कॉल नहीं आई है, तो थोड़ा सा असमंजस में हूँ। अब मैं यहाँ से निकल जाऊँ और नोकल में मथुरा जंक्शन से चलना शुरू कर दूँ, चाहे वृंदावन या नोकल में, और बैटरी हो जाएगी फिर डाउन, तब उनका कॉल आया तो टेंशन हो जाएगी यार। तो मैंने अभी कॉल भी किया था उनको तो उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। अब बड़ा दिक्कत में हूँ कि मैं निकलूँ कि ना निकलूँ, या उनके फ़ोन का इंतज़ार करूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं निकल के जाऊँ कहीं की सवारी पकड़ लूँ फिर उनका कॉल आया कि भैया आ जाइए हमें घुमाने के लिए। तो थोड़ी सी टेंशन हो जाते हैं ऐसे कभी कभी। तो इतने भी लोग आते हैं भाई, रिक्वेस्ट है बता दिया करो कि चलना है कि नहीं चलना है। अब उनका कॉल आए तब मुझे पता चलेगा। फिलहाल तो मैं निकल के जा रहा हूँ मथुरा जंक्शन के लिए कुछ काम करने के लिए। अगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उनकी कॉल आए, मैं इंतजार में बैठा रहा हूँ सारा दिन, एक बार ऐसा हो चुका है। तो निकलते हैं, अगर फ़ोन आएगा तो चले जाएंगे, और वो नंदगांव बरसाना की तरफ की बोली तो फिर घर आना पड़ेगा चार्जर उठाने के लिए, क्योंकि लंबा पड़ जाता है और गाड़ी को चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा रहता है कि उनकी कॉल आ जाए, मुझे पता चल जाए तो फिर निकलूँ। बहरहाल नहीं आया तो क्या करें, निकलते हैं, एक नया दिन नया ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। उनका कॉल आए या ना आए आपको तो पता चली जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना दिन। और भाई कब्बू और टिल्लू तो गई स्कूल, हमारे साथ आज खुशी है। खुशी जाएगी गली के बाहर तक घूमने। खुशी राधे राधे बोलो, लादे लादे, और देखो लाइटर लेके घूम रही है, मर जाए। गाड़ी की साफ सफाई हो चुकी है भाई, चलिए निकलते हैं। भाई मैं घर से निकल के मथुरा जंक्शन तक आ गया, अभी तक सब्सक्राइबर्स की कॉल नहीं आई कि जाना है कि नहीं जाना उनको घूमने के लिए। अब बताओ क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है भाई, मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। इंतजार में बैठा रह गया तो पूरा दिन निकल जाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ तो करना ही होगा भाई। कल से तू मेरी कुंडली में ऐसा आके ले हुआ है, काम खराब ही खराब है रहे। कल मेरे सब्सक्राइबर घूमने की कही थी, शाम को तू आ गया, आज घुमाने की बात थी, आज फिर से तू ही साथ में बैठा है, काम नहीं है भाई। सो बहुत उम्मीदों के साथ मेरी शुरुआत हुई थी, क्योंकि घर से निकलते भी मुझे एहसास था कि सब्सक्राइबर जो आए हुए उनका फोन आएगा। कल उन्होंने बोला अभी था घूमने के लिए, लेकिन आई अभी 12 बजने को है, अभी तक फोन नहीं आया। सॉरी फोन आ चुका है कैंसिलेशन के लिए कि भैया आज घूमने नहीं जा रहे, कल जाएंगे, आज हम लोग वृंदावन ही घूम रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या कह सकता हूँ, अब उनका प्रोग्राम तो कल के लिए टल गया लेकिन अपना प्रोग्राम बिगड़ गया। सो वैसे जब से आया हूँ केवल एक चक्कर, वो भी स्टेट बैंक चौराहे का गया था, मैं तब से यहीं बैठा हुआ हूँ। सवारी भी उतनी नहीं निकल रही है, ऊपर से ये मूड मार रहा है, इसकी रीलाइनिंग कंप्लीट होने में आ रही है। हमें कहाँ ढूंढू पता तेरे गाने ने यार, तू और मेरे दिमाग खराब कर रहे हो यार। रील्स के लिए गाने ढूंढ रहा बंदा और मुझे खावा खामे मेरी खोपड़ी खा रहा है। सुमित भाई आ गए यार, सुमित भाई आ गए भाई, वृंदावन चक्कर मार गए। देखो सामने की तरफ उनकी गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के आगे जस्ट सुमित भाई की गाड़ी खड़ी है। कभी कभी ले दोस्तों, मैं दूसरों के ब्लॉग देखता हूँ ना तो सोचता हूँ यार, जितने भी ब्लॉगर हैं अपना शुरुआत जो करते हैं ब्लॉग की इंट्रो में, लगभग दिन भर का प्रोग्राम बता देते हैं कि भैया आज हम यहाँ जाएंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे और जैसे करेंगे। अपना ब्लॉग अलग तरीके से चलता है क्योंकि अपनी ज़िंदगी भी अलग तरीके से चलती है, पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं होता। अगर कल का ही ब्लॉग मैं अगर देखूँ तो मैं पहले से प्लान कर सकता था, अगर मेरे से को पहले से पता होता कि प्रेम मंदिर भी जाना है और कुल देवी के दर्शन भी करने को मिलेंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे, तो भाई आपको पूरा का पूरा लय बताता कि ऐसे ऐसे दिन चलेगा, उसके बाद आपको भी इंटरेस्ट आता। लेकिन अपनी लाइफ यार अलग तरीके से चलती है, पहले तो सुबह सब्सक्राइबर आए अचानक, उसके बाद में दोपहर को हमारा दोस्त अंकित हमको लेके गया माता रानी के दर्शन कराने के लिए, और फिर वहाँ से उनका प्रोग्राम बदला कि प्रेम मंदिर भी जाना है। तो भाई मैं पहले से आपको कुछ भी बता नहीं पाता हूँ,
कभी कभी इसका अफसोस होता है कि यार ब्लॉग मेरा अलग अलग तरीके से चलता है, कि अभी पल भर में अलग कुछ स्टोरी बन गई, दूसरे पल कुछ और स्टोरी बन गई। अब क्या करूँ भाई, मेरी लाइफ ही ऐसी है, बस ऐसे इंजॉय करते रहिए। वैसे आज का दिन भी मेरा बहुत अच्छा शुरू हुआ था, उम्मीद यही थी कि आज सब्सक्राइबर घूमने के लिए कॉल करेंगे, क्योंकि कल उन्होंने बोला था कि भैया आज तो हम वृंदावन कर रहे हैं, कल घूमने निकलेंगे तो आपको कॉल करेंगे। भाई पहले तो घर से ही लगभग आधा घंटा लेट निकला, मैं इंतजार करता रहा कि उनका फ़ोन आ जाए तो कहीं चार्जर लेके ना जाना पड़े, अगर बरसाना का बोल दिया। इंतजार कर करके फिर यहाँ आया मथुरा जंक्शन पे, यहाँ भी लगभग आधा एक घंटे तक मुझे उम्मीद थी कि फ़ोन तो आएगा अब नहीं तो थोड़ी देर बाद, लेकिन 12 बज के फ़ोन नहीं आया। उसके बाद उनका फ़ोन आया कि भैया आज हमारा वृंदावन का ही प्रोग्राम है, कल हम पूरा देख नहीं पाए थे तो आज और वृंदावन देखेंगे, कल आपको बुलाएंगे, कल घूमेंगे, तो कल का इंतजार करना पड़ेगा। और भाई ले जो सुबह से बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज काम भी नहीं मिला हमें ज़्यादा कोई खास, मथुरा जंक्शन पे इतना काम निकला ही नहीं। एक चक्कर स्टेट बैंक का लगाया, तब से अभी तक बैठा हुआ हूँ, और मेरी कुंडली में कल से लग गया ये अंकित। और भैया मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं, याद है ना कल यही ले गया था वैष्णो देवी, वो हमारी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए इसकी नानी आई हुई थी, उसके बाद हम प्रेम मंदिर गए और आज सुबह से ही आके बैठ गया मेरे पास, जब से रील है मनमाने में लगा हुआ है। रील से याद आया यार, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर लो, अच्छी अच्छी रीलें बनाता हूँ, कॉमेडी वाली भी गाने वाली भी, तो वहाँ भी जाके जोड़ो अपने भाई से। और कल को कोई समस्या कुछ आती है तो मैं अक्सर स्टोरियाँ डालता हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा कि भैया की लाइफ में क्या चल रहा है, तो वहाँ भी फॉलो कर लो प्लीज़। और जो हमने कल वीडियो और रील्स बनाई थी तो फोटो वगैरह लिए थे भैया से, तो उन्हीं में लगे पड़े थे, क्या करेंगे, मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं, इसको ज़्यादा कीड़ा इंस्टाग्राम का। और हम घर जा रहे हैं दोनों, भैया खाना वाना खा के फिर लौट जाएंगे, दोपहर बाद आएंगे भाई, क्योंकि 12:30 हो गए, इंतजार करते करते काम निकला भी नहीं और अभी उम्मीद भी नहीं दिख रही है, चलिए घर चलते हैं। भाई दोपहर के आराम के बाद दोबारा से निकल के घर से आया हूँ, अब देखते हैं कैसा रहेगा। सुबह तो कुछ हो नहीं पाया था, उम्मीद अब शाम के टाइम में बंसीवाला कुछ करवा दे। भाई शाम हो गई है, एक भी सवारी नहीं मिल रही, ऊपर से खून जलाने के लिए भीड़ बनाती है, ऐसी भीड़ को देख के लगता है कि पता नहीं हमने किसका क्या बिगाड़ा है, भाई अपने पास सवारी क्यों नहीं आ रही। देखो यार सवारियों से पूछ पूछ के गला सूख गया भाई, अब तो इच्छा भी नहीं हो रही किसी से पूछ ली, यही मन कर रहा है जिसको जाना होगा वो अपने आप आएगा। देखो आड़े टेढ़े वो गाना आया था ना, कैसे कैसों को दिया है, अपने को भी लिफ्ट करा दे भगवान, पता ही ना है कैसे कर रहे हैं, इसको रोता हुआ जा रहा है। देखो कितनी भीड़ निकली चली आ रही है यार, और किसी से बात भी नहीं कर रहे। मैं मंजू दोस्तों, आप लोगों में से कोई भी भाई मुझे काली जवान मत बोलना, पर जो हो रहा है ना ऐसा ही लग रहा है कि जवान काली है। अभी दो दिन पहले ही कह रहा था मैं कि गर्मी बहुत तेज हो गई है और अचानक से गर्मी स्टार्ट हुई है, तो बारिश किसी भी दिन आ सकती है। देखो भाई ऊपर से बादल गरज रहा है और बारिश भी हो रही है, आपको जमीन दिख रही है गीली गीली नहीं दिख रही, अगर नहीं दिख रही है ना लाइट का मौसम है, ये देखो अब दिखेगी, पूरी की पूरी गाड़ी का ग्लास जो है गीला हो गया है, और ऊपर को देखेंगे तो भाई बूंदे भी पड़ती हुई दिख जाएंगी, दिख रही है बारिश हो रही है भाई। और इधर खड़े हैं हमारे सुमित भाई, क्या चल लिया है, चलो लगे रहो, आज काम हो गया है हमारा, नहीं हुआ सुमित भाई हम पचड़ गए। देखेगा क्यों नहीं, झमाझम पड़ रही है अब तो। सबसे पहले तो दोस्तों आप टाइम देख लो कि टाइम क्या हो रहा है, देखो 11:26 हो रखी है, अगर आपको साफ साफ दिख रहा हो तो। तब से घर आया हूं भाई, लाइट नहीं थी, आज का दिन मैंने सब कुछ आपको दिखाया ही है। सुबह बड़े अरमानों के साथ शुरुआत हुई थी, क्योंकि सब्सक्राइबर्स का कॉल आने वाला था घूमने के लिए, तो सुबह उनका कॉल नहीं आया, हर तक के मथुरा जंक्शन पे पहुंचा, सोचा कि कुछ लोकल में कर लेता हूं, क्योंकि सब्सक्राइबर तो आने वाले थे नहीं, तो भाई गाड़ियां इतनी ज़्यादा हैं और सवारी इतनी कम थी कि इतना कंपटीशन था मेरे जैसे आदमी के लिए, घूम के सवारी पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो भाई सुबह के टाइम में नंबर ही नहीं आया, एक चक्कर बाईपास का जैसे तैसे लगाया था, 50 रुपये का काम करने में ही 12:30 बज गए। घर आया खाना पीना खाया, फिर से थोड़ा सा अपने आप को जोश भरा कि कैसे भी करके शाम के टाइम में कुछ करके आ जाता हूँ,
सुबह नहीं हुआ तो क्या, कई बार ऐसा हो जाता सुबह में नहीं मिलती सवारी तो शाम को मिल जाती है, पर जिस दिन किस्मत खराब हो ना तो सुबह हो शाम हो फर्क नहीं पड़ता भाई। शाम के टाइम में भी कोई काम नहीं मिला, लगभग 2-2.5 घंटे के करीब मैं बैठा रहा, तभी हमारा एक साथी है जो गाड़ी चलाता है मेरे साथ में, उसके पास 40 सवारियों का एक काम आया कि भैया स्टेशन से होटल तक छोड़नी है 30-40 सवारियां, अगर लग जाए तो 2 का चक्कर लगा ले इसी में से, बाकी तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही। तो भाई उसी की सवारियों को मैंने बैक टू बैक 2 चक्कर लगाए थे स्टेशन से उसके होटल तक छोड़ने में, तो एक बार 7 सवारी थी उसके 70 मिले, दूसरी बार में 6 सवारियां रह गई 60 रुपये उसके, तो मतलब 130 रुपये टोटल मैंने शाम के टाइम में कमाए। उनको छोड़ के घर ही आ रहा था तभी मौसम बिगड़ गया, और इस लेवल का मौसम बिगड़ा भाई, बादल इतनी तेज गरज रहे थे ऐसा लगा जैसे फटके आज जमीन पे आ जाएंगे, बहुत भयंकर बादल गरज रहे थे, और सिर्फ गरज नहीं रहे थे बरसे भी धुआंधार हैं, लगभग 20 मिनट के करीब दवा के पानी पड़ा है, अगर ये आधा एक घंटे रुक जाता ना मथुरा में नाप चल जाती, भयंकर पानी पड़ा है। जैसे ही घर आया, घर में घुस ही रहा था तभी लाइट चली गई, 8:15 बजे के करीब मैं घर पे आया था, और 8:15 से अभी 11:30 हो चुके हैं, तब से लेके अब तक लाइट नहीं थी, मुझे ब्लॉग भी एंड करने का मौका नहीं मिला। सोने की तैयारी हो चुकी थी हमारी मैडम तो सो चुकी है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रही मैडम जी सो चुकी हैं, और लगभग मैं भी सोने ही वाला था, 1/2 घंटे से मोबाइल बंद करके पड़ गया था, क्योंकि कब तक वीडियोस देखोगे कब तक इंतजार करता, मैंने सोचा अब सुबह ही एंड करूँगा, अभी नींद आने वाली थी तभी लाइट आ गई, तो सोचा ब्लॉग तो एंड कर ही देता हूँ, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो भाई बहुत बुरा दिन गया आज का, न तो सब्सक्राइबर मिले न लोकल में सवारियाँ मिली, पर आते ऐसे दिन, हो सकता है कल आए, वैसे मेरे को कॉल आई है वो कल घूमने जाएंगे, तो जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, फिलहाल तो खाना पीना सब कुछ हो चुका है, 11:30 बजे हुए, बहुत लेट हो गया हूँ, तो इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।